हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके साथ हरे प्याज की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने इस हरे प्याज को घर में ही उगाया है और फिर मैंने सब्जी बना करके तैयार की है। तो किस पॉट में कैसे मैंने इसे उगाया है मैं आपको ये भी बता दूं, तो मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से इतनी परफेक्ट हरा प्याज आ जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया। लेकिन ये बहुत ही अच्छा, मतलब परफेक्ट तैयार हुआ, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ यहाँ से ही शेयर कर देती हूँ। और जब नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर से इसे लगाऊंगी भी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो इस तरीके से ये जो हमारा बड़ा सा गमला था ये बिल्कुल खाली था, कुछ पौधे खराब हो गए थे, तो मैंने कहा ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ तो लगा लिया जाए, उगाया जाए। तो मैंने बस ऐसे ही ट्राई किया था, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो मैंने इसमें प्याज लगा दी और बहुत ही अच्छी हरा प्याज, मतलब देख सकते हो तैयार हो गया है। तो मैंने कहा, इसीलिए मैंने चार ही लगाए थे, मैंने बहुत ज़्यादा उगाया ही नहीं। तो जब ये मतलब निकलने लग गया, अच्छे से तैयार हो गया, तो मैंने आज इसे मतलब निकाल लिया है। तो अभी आपके साथ मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर से आपके साथ स्टार्टिंग से शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने सारे साग को बाहर कर लिया है और प्याज को मैंने कट करके मतलब हटा दिया है। अलग से इसे हम काटेंगे, वाइट वाला हिस्सा अलग रखेंगे और ग्रीन पार्ट हम इसका अलग काट लेते हैं। सबसे पहले हमें साग को अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि गमले में लगाया था तो मिट्टी भी होगी, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से, वैसे भी हमें सब्जियों को बहुत ही अच्छे से धुल लेना चाहिए बनाने से पहले। तो मैंने हरे प्याज को अलग काट लिया है और सफ़ेद वाला जो वाइट वाला पार्ट होता है प्याज का, उसे अलग काट लिया है। कुछ तैयारियां और की हैं हमने, जिसमें कि मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू को कट कर लिया है, थोड़े से लहसुन कट किया है और हरी मिर्च, टमाटर और प्याज का साग और प्याज, वो तो मैंने पहले ही कट किया था। तो फ्रेंड्स, सारी ही तैयारियां हो चुकी हैं, चलिए साग बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको आलू दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से क्यूब्स में कट किए हैं, और थोड़े से आलू की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि बच्चों को हरे प्याज नहीं पसंद है, इसलिए मैंने आलू की क्वांटिटी ज़्यादा कर ली है, जिससे कि वो आलू ले लेंगे। और बस चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ा देंगे और ऑयल डाल देते हैं। लगभग 2 बड़ा चम्मच हम ऑयल का डालेंगे, ऑयल को गरम करेंगे, थोड़ा सा हम क्यूमन सीड्स डाल देंगे और सबसे पहले हम लहसुन डाल देते हैं और जो हमने प्याज का वाइट वाला हिस्सा काटा था उसे डाल देंगे और अच्छे से लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम पहले प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हम प्याज को नहीं भुनेंगे, बस 2 मिनट हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं और जो हमने क्यूब्स में कटे हुए आलू रखे थे उन्हें भी डाल देते हैं, प्याज के साथ ही हम इन्हें भी भून लेंगे। और सबसे पहले हम आलू को आधा पका लेंगे, कहने का मतलब है 2 से 3 मिनट हम आलू को इसी तरीके से लीड लगा के पकने देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं पकेंगे, आधे पके हुए होने चाहिए। तो 2 मिनट मैंने आलू को भी पका लिया है, उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ और टमाटर डाल देती हूँ। एक मीडियम साइज़ का टमाटर ज़रूर डालिएगा, टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे आपको ना पसंद हो तो आप बिना टमाटर के भी सब्जी बना सकते हो। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देते हैं, इसमें बहुत सारे मसाले का यूज़ तो हम नहीं करेंगे, बट हल्के मसाले डालेंगे, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के डाल देती हूँ कोरिएंडर पाउडर, जिसे हम धनिया पाउडर बोलते हैं, और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा कलर के लिए। तो जो भी हरी सब्जियां होती है उसमें हमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हरे जो सब्जियां हैं उनका टेस्ट आने के बजाय मसाले का टेस्ट आने लग जाएगा। तो अच्छे से हम सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। बस इसमें मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक का यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने कोई भी मसाले नहीं यूज़ किए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि आलू अच्छे से पक जाएं। और हरे प्याज को हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि हरे प्याज पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते, पक जाते हैं, इसीलिए आलू को हम लगभग पहले ही 90% पका लेंगे। 100% नहीं, 90% पकाएंगे, मतलब हल्की सी कसर रहनी चाहिए और तभी हमें प्याज को
ट्रांसफ़र करना है हरे प्याज को, क्योंकि हरा प्याज बहुत ही जल्दी पक जाता है, बहुत ही कम टाइम लेता है। तो जो आलू में हल्की कसर है वो भी मतलब परफेक्टली पक जाएंगे और सब्जी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी इस तरीके से। तो हम वापस से 2 मिनट के लिए लीड लगा देंगे हरा प्याज डालने के बाद, और सब्जी को अच्छे से पक जाने देते हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। आलू को मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ कि अच्छे से पक चुके हैं या नहीं। तो मैं एक छोटा चम्मच ले लेती हूँ, हाथ से कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म है इसलिए। मैं एक छोटा फॉर्क ले लेती हूँ, उससे मैं इस तरीके से कट करके चेक कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट आलू भी पक चुके हैं। इसका मतलब है कि सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं, इसमें लीड लगा देते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे और आप देख सकते हो परफेक्टली सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, हम इसे सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी ये हरे प्याज की सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने इसे घर में ही उगाया है और उसके बाद बनाया है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।